जी, तो स्पेशल मार्जिन के तौर पे काम करता है। इसको मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। इसमें जब मैंने इसको ऐसे इस तरीके से किया, तो इस यहाँ से आप पिक्सल स्टैट सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने का मार्जिन, टॉप का मार्जिन देना है आपने। तो ये 60 का अगर मैं सिलेक्ट करूँ या फिर 60 का, तो ये 80 का तो ये मार्जिन बढ़ गया, ठीक है ना। अब इसके ये स्पेस आ गया, अब इसके नीचे एलिमेंट लगेगा, ठीक है ना। मीन्स के बटन लगाता हूँ मैं, तो वो ये स्पेस है, स्पेस के नीचे ये इधर लगेगा, ठीक हो गया। ये स्पेस देने के तौर पे यूज होता है स्पेसर। इसके बाद जी अगला एलिमेंट है गूगल मैप। गूगल मैप गूगल का मैप लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, लोकेशन लगाने के लिए। अब मैं आपको जल्दी जल्दी सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि उम्मीद है आपने बहुत बहुत पॉइंट समझ लिए होंगे। अब आपके लिए आगे लिए एलिमेंट्स को समझना आसान होगा। यहाँ आप जो भी लोकेशन देंगे वो यहाँ लोकेशन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप उसकी हाइट सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी हाइट होनी चाहिए, ठीक हो गया। यहाँ पे मेरी इंटरनेट सर्विस अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको इस तरीके से शो आ रहा, वरना यहाँ मैप शो आना था। मैप की स्टार्टिंग अपने आप से कर सकते हैं आप, ठीक है, कि किस तरीके से हो। और इसके अलावा एडवांस ऑप्शन में वही मार्जिन पैडिंग है। इसके अलावा दोबारा डब्बे में आते हैं, अब यहाँ पे एक और सेक्शन सेलेक्ट करते हैं 4 का, ठीक है। अब पे क्लिक करते हैं, अगला एलिमेंट है आइकन। आइकन को पकड़ के यहाँ लगाते हैं। आइकन का मतलब यह है कि आपने अपनी वेबसाइट में आइकन लगाने हैं। मीन्स के बाज़ का तो आपने बताना होता है कि हमारे ये आइकन, अपनी कंपनी अपने आइकन्स लगाती है, जैसे कि फेसबुक का लगा दिया, जैसे कि और बहुत से आइकन्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा फेसबुक का नहीं तो कंपनी ने अगर कोई इस तरीके से आइकन लगाना है, इधर हर किस्म का आइकन यहाँ पे होता है इसकी आइकन लाइब्रेरी में। तो यहाँ से आइकन की अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हैं। आइकन में लिंक कौन सा लगाना है, लिंक भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं गूगल का लिंक भी लगा सकता हूँ, ठीक है ना। गूगल में जाके वहाँ से लिंक कॉपी करके लगा सकता हूँ। आइकन के स्टाइल में आके मैं यहाँ से आइकन की सारी स्टाइलिंग कर सकता हूँ। यहाँ पे इसका ब्लैक कर दिया, नॉर्मल होवर में जाऊँगा, होवर का कलर सेलेक्ट करूँगा, तो जब मैं माउस उसके ऊपर लेके जाऊँगा इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। यहाँ से इसका एनिमेशन डालनी हो तो डाल सकते हैं, बाकी वही साइज और रोटेशन। रोटेशन एक एलिमेंट है, इससे आइकन को अगर आपने रोटेट करना है तो वो आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसके अलावा दोबारा प्लस में आते हैं। हमारे बेसिक के जो जितने 10 एलिमेंट्स थे हो गए हैं। अब आगे जनरल के एलिमेंट्स हैं। जनरल में इमेज बॉक्स को पकड़ कर लगाते हैं। अब इमेज बॉक्स का क्या मतलब है कि बहुत सी वेबसाइट्स इमेज बॉक्स हमें हेल्प करता है कि हमें 3 एलिमेंट्स एक साथ प्रोवाइड कर देता है, जैसे कि इमेज, हेडिंग और टेक्स्ट एडिटर। बाज़ अवकात हमें वेबसाइट्स में डिज़ाइनर को ये तीनों एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, तो वो बारी अलहदा अलहदा इमेज, हेडिंग, टेक्स्ट एडिटर लगाएगा, तो उसको टाइम लगेगा। वो एक ही बारी टेक्स्ट बॉक्स को लगाता है जिसमें इमेज भी आ जाती है, हेडिंग भी, और वो पैराग्राफ भी आ जाता है। तो इसके लिए ये डिज़ाइनर को हेल्प करता है कि वो एक ही बारी में तीनों चीज़ें लगा देता है। और अगर आपको सिर्फ हेडिंग और टेक्स्ट चाहिए तो आप यहाँ से इमेज को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ से इमेज डिलीट हो जाएगी, हेडिंग और टेक्स्ट आ जाएगा सिर्फ। और अगर इमेज ऐड करनी है तो यहाँ से आप इमेज ऐड कर लेंगे, जो भी आपने इमेज ऐड करनी हो, जिस भी कंटेंट से रिलेटेड, वो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप इमेज का साइज़ भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, फुल साइज़। अब ये चूंकि कॉलम ही छोटा है, उस कॉलम के मुताबिक इसका साइज़ फुल है, ठीक है। अगर कॉलम मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ तो इसका साइज़ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। ये देखना, ये देखें, थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब इसी तरीके से है। अब यहाँ से इसका आप कस्टम साइज़ खुद भी लगा सकते हैं। इसके बाद जी हेडिंग स्टाइल वही, इसके बाद इस तरीके से इमेज लेफ्ट में आ जाएगी, ऊपर हेडिंग आ जाएगी, नीचे टेक्स्ट, और ये इस तरीके से भी है, लेकिन मोस्टली इस तरीके से ही होता है। इसके बाद जी स्टाइल में जाके आप इमेज की इस जो स्पेस है, इमेज और टेक्स्ट के दरमियान स्पेस, हेडिंग के दरमियान स्पेस है, विड्थ इमेज की, ये सॉरी, यहाँ से इमेज की विड्थ बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। अब जितना कॉलम बड़ा होगा उतनी ज़्यादा इमेज की विड्थ कॉलम के मुताबिक हो जाएगी। अब मीन्स के मैं इसमें कॉलम ऐड करता हूँ, ऐड यहाँ से ऐड न्यू कॉलम। तो अब ये इस कॉलम के मुताबिक इसकी विड्थ बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। इस कॉलम जितनी हो जाएगी, जितना बड़ा कॉलम होता रहेगा उसके मुताबिक उतनी इमेज की विड्थ होती रहेगी। तो अगर आप ज़्यादा सारे इमेज बॉक्स लगा रहे हैं तो आपने एक बात का लाजमी ख्याल रखना है कि इमेज के साइज सेम रहे, ठीक है। इसके बाद जी होवर एनिमेशन और ये कलर का सारा आपको पता है। कंटेंट में भी वही है, सारा
टाइटल का कलर, टाइटल की टाइपोग्राफी, डिस्क्रिप्शन का कलर, टाइपोग्राफी और अलाइनमेंट भी आपको पता है। एडवांस में वही मार्जिन पैडिंग है, अगले एलिमेंट की तरफ जाते हैं। जैसे इमेज बॉक्स है ऐसे ही आइकन बॉक्स है, ठीक है ना। बाज़ बात हमें आइकन्स के साथ टेक्स्ट भी देना पड़ता है, तो इस तरीके से बाज़ बात हमें इमेजेस नहीं लगानी पड़ती, हमें आइकन ही की मदद से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये लगाया जाता है, उसके बाद हेडिंग और टेक्स्ट। तो स्टाइलिंग इसकी इमेज बॉक्स की तरह है, जैसे इमेज बॉक्स की स्टाइलिंग है, इसका कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से कलर चेंज हो जाएगा, होवर लग जाएगा इस पे, ये स्पेस वही है, ये देख सकते हैं इन दोनों के दरमियान स्पेस। साइज बड़ा छोटा करना तो कर लें, रोटेट करना तो रोटेट कर लें, ठीक है। इमेज बॉक्स, आइकन बॉक्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं वेबसाइट को बनाने में। उसके बाद है जी स्टार्स, स्टार रेटिंग। स्टार रेटिंग क्या होती है, बहुत सी एक वेबसाइट अपनी प्रोडक्ट्स के या अपनी पोर्टफोलियो में स्टार्स लगाती हैं, ठीक है। मींस के ये अपनी इमेज के नीचे स्टार लगा देंगे, तो इस तरीके से 5 स्टार रेटिंग, 10 स्टार रेटिंग इस तरीके से है, ठीक है ना। आप इधर से रेट कम भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको इस तरीके से कर सकते हैं। मींस के एक इमेज लग एक एक बंदा है, उसका पोर्टफोलियो इतने स्टार्स का है, इस तरीके से नीचे एक और लगाएंगे, साथ इमेज भी लगा सकते हैं आप। इसके अलावा आइकन आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से स्टार्स के, ये इस तरीके से, ये फॉन्ट ऑसम इस तरीके से। और इसके अलावा जैसे कि टाइटल देना चाहें आप कि हमारी प्रोडक्ट की ये रेटिंग इतनी है, मींस के ब्रेड है उसकी रेटिंग इतनी है। और इसके अलावा जी एक और लाते हैं हम इसमें, अगर आपने एक और लाना हो ना तो इस पेंसिल पे क्लिक किया करें, डुप्लीकेट का बटन होगा इस पर आएंगे तो एक और आ जाएगा। और जी हमारी जो ए ब्रेड के अलावा जो हमारा मिल्क है वो इत ब्रेड से ज़्यादा सेल होता है, उसकी 4 रेटिंग है, ठीक है जी, इस तरीके से होता है। तो इसके अलावा स्टाइल में जाके वही टेक्स्ट कलर वगैरह सब चेंज हो सकता है। और इसके अलावा साइज गैप, इन दोनों के दरमियान गैप, स्टार और टेक्स्ट के दरमियान, और स्टार्स में स्टार्स के साइज कितने रखने हैं आपने, ये देख सकते हैं, साइज बड़ा भी हो जाता है। और स्टार्स के दरमियान स्पेस, स्टार्स के कलर देख सकते हैं, ओके हो गया, ओके हो गया जी। और ये जो अनमार्क्ड स्टार है उसका क्या कलर हो, ये इस तरीके से, ओके हो गया जी। अब उसके बाद अगला एलिमेंट जो है वो है जी इमेज कैजुअल कैरोसेल। इमेज कैरोसेल बहुत एक इंतहाई पसंदीदा एलिमेंट है वेबसाइट का। इमेज कैरोसेल का क्या मतलब होता है इसका मैं बताता हूँ, इसमें कुछ इमेजेस ऐड करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ जी। 4 इमेजेस मैंने ऐड की हैं यहाँ से, अब इसको इंसर्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जब मैं इन इमेजेस को, अब आप देख रहे हैं कि ये इमेजेस खुद ही चलती जा रही हैं, एक टाइम के बाद ये इमेजेस खुद ब खुद ही चलती। और यहाँ से हम इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं, ये एक टाइम के बाद खुद ही चलती जा रही हैं, आप देख सकते हैं, आपको तो मूव नहीं करना पड़ा, ये एक किस्म की स्लाइडर के तौर पर काम करती हैं। यहाँ से अगर मैं इसका साइज़ फुल करता हूँ तो इनका साइज़ फुल हो जाएगा। और इसके अलावा अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार सिर्फ एक इमेज यहाँ आए उसके बाद दूसरी इमेज आए, क्योंकि अभी ये तीनों इमेजेस आ रही हैं ना, मैं चाह रहा हूँ कि अभी सिर्फ एक इमेज आए, तो उसके लिए स्लाइड टू शो में मैं सिर्फ वन लिखूंगा। अब एक आ रही है, इसके बाद दूसरी आएगी, इस तरीके से लोग यहाँ ब्रांड्स लगाते हैं इमेज कैरोसेल में, ब्रांड्स के नेम जो कि उनके साथ काम कर रहे होते हैं, तो वो ब्रांड्स के नेम खुद ही चलते रहते हैं। अब ये जो बाकी सेटिंग है ये आपने खुद करनी है, खुद करके देखें, खुद करके देखेंगे हर एक चीज़ को चेंज करके देखेंगे, फिर आपको पता लगेगा कि इसका क्या काम होता है, इसका क्या काम होता है। तो ये आपने खुद आराम से बैठ के करनी है, मैं तो वीडियो के दौरान जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, और कुछ चीज़ें मैं नहीं बता रहा, वो इसलिए नहीं बता रहा कि वो बहुत ही आसान है, उनको समझना वो आप खुद भी सीख सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। देखें प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें समझ लगेंगी। तो अभी आप इसकी एरोस, ये नेविगेशन, ये इमेज की सारी स्टाइलिंग यहाँ से हो सकती है, ठीक हो गया। अब इसके अलावा एडवांस में वही मार्जिन पैडिंग, ये आपने खुद भी सारी चीज़ें सेटिंग करके देखनी, मैं आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी निशानदेही कर रहा हूँ। बाकी जी कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो ग्रुप के लिंक आपको पता है कि मैं प्रोवाइड करता हूँ डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप का लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को, और उस ग्रुप में बहुत से क्वेश्चंस कर सकते हैं आप। इसके बाद ही बेसिक गैलरी, बेसिक गैलरी क्या काम करती है, ये एज आ इमेज गैलरी के तौर पे काम करती है। मींस के आपकी ए वेबसाइट में बहुत ज़्यादा इमेजेस हैं, मींस के आपका कोई ब्रांड ऐसा है जिसमें आपने इमेजेस देना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, तो ये इमेज गैलरी के तौर पे काम करती है, इसमें बहुत ज़्यादा इमेजेस आ जाती हैं, जितने भी आप इमेजेस लगाना चाह रहे हो
को आप लगा सकते हैं। ठीक हो गया, इसको इंसर्ट करते हैं तो इस तरीके से लग जाएंगी। आप इस तरीके से इसकी सारी स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हैं, कितनी इमेजेस आपने दिखानी है एक रो या दो कॉलम्स में वो लगा सकते हैं। उसके बाद आगे आता है जी, आगे क्या आता है, आइकन लिस्ट। आइकन लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आइकन लिस्ट जैसे कि बहुत सी वेबसाइट्स में कंटेक्ट अस का एक एलिमेंट लगा होता है, जिसमें अब यहाँ पे आपने एड्रेस लिखा होगा अपना, हाउस नंबर या फिर स्ट्रीट, ओके जी, इस तरीके से। और इस तरीके से यहाँ से आइकन चेंज हो जाता है। आइकन अगर हम यहाँ होम लिखें, इस तरीके से फला मिसाल के तौर पे अगले बंदे ने यहाँ फोन नंबर लिखना है, तो यहाँ से वो आइकन लिस्ट चेंज कर सकता है। यहाँ पे मैं इसको आपका यूज़ बता रहा हूँ, बाकी आप अपने मुताबिक इसको हर तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ से स्टाइल में जाके इसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं, स्पेस कितना देना है इनके दरमियान। ठीक हो गया, डिवाइडर का मतलब होगा कि इनके दरमियान लाइंस आ जाएंगी। ओके हो गया, इसके बाद आइकन, आइकन का कलर कैसा है, आइकन का साइज़ कैसा हो, और इसके अलावा टेक्स्ट का कलर कैसा हो, साइज़ कैसा हो, यहाँ से होगा। ओके जी, उसके बाद जी काउंटर है। काउंटर ये मिसाल के तौर पर ये उन वेबसाइट्स में यूज़ होता है जहाँ पे आपने बताना हो कि आपकी प्रोडक्ट्स की सेल इतनी हो चुकी है, इस प्रोडक्ट की इतनी सेल हो चुकी है, मीन्स के आपने बताना हो कि इसकी प्रोडक्ट की सेल 0 से लेके 34 तक। तो जब बंदा नीचे से ऊपर से नीचे आएगा तो एक काउंटर चलेगा 34 तक। ठीक है, और ये कूल नंबर का मतलब यहाँ आप अपनी प्रोडक्ट की बता सकते हैं नाम, यहाँ से चेंज होगा कूल नंबर। यहाँ से हम लिख देते हैं हमारी जो ब्रेड की आज सेल हुई है वो इतनी हुई है। ओके हो गया, इस तरीके से ये बहुत से और भी पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। अब इसके बाद जी अगला है हमारा एलिमेंट, है ए प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस बार भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, इसमें प्रोग्रेस बताई होती है, प्रोग्रेस नाम से जाहिर हो रहा है प्रोग्रेस इस तरीके से। अब इधर मैं मिसाल के तौर पर माई स्किल मैं इधर सेलेक्ट करता हूँ वेब डिज़ाइन। अब यहाँ से टाइप इसकी सिलेक्ट करनी है, यहाँ से डिफ़ॉल्ट रहने दे परसेंटेज, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी आपको वेब डिज़ाइनिंग आती है, 80% करते हैं हम इसको। और ए डिस्प्ले परसेंटेज दिखानी है या नहीं तो दिखाते हैं। और यहाँ से टेक्स्ट है, यहाँ से भी आप इनर टेक्स्ट, अगर आपने आउटर टेक्स्ट रखना है ना, ये देखें जैसे वेब डिज़ाइनर लिखा आ रहा है, इसको ख़त्म करना तो आप यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं और इनर टेक्स्ट आपका सिर्फ लिखा हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा इसकी कलर चेंजिंग करनी हो तो वो यहाँ स्ट्राइक्स होगी। यार अब मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, फिर आप कहेंगे दिखाते नहीं है। ये देखें, अब ये रेड कलर हो गया इसका बार का, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, इसका मतलब जो हिस्सा नहीं हमने हाईलाइट किया होगा वो ब्लैक हो जाएगा। यहाँ से ग्रे भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा हाइट इसकी कितनी है ये सिलेक्ट कर सकते हैं, छोटी हो गई है। बॉर्डर रेडियस डालना है डाल सकते हैं, कितना डालना है ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इनर टेक्स्ट का कलर कैसा हो ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा टेक्स्ट स्टाइल कैसा हो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके हो गया, अब चलते हैं अगले एलिमेंट की तरफ। अच्छा, अगर आपने मज़ीद और बार ऐड करनी है तो यहाँ से डुप्लीकेट करें, इस पर क्लिक करें, बस यहाँ से आपने इधर से चेंज करना है ऐप डिज़ाइन नाम चेंज करना है और परसेंटेज चेंज करनी है बस। ओके हो गया जी, अब चलते हैं अगले एलिमेंट की तरफ। अगला एलिमेंट है जी हमारा टेस्टिमोनियल्स। अच्छा जी, टेस्टिमोनियल्स बहुत से वेबसाइट्स में यूज़ होता है। ठीक है, हर वेबसाइट की अपनी अपनी यार एक होती है पहचान कि वो किस पहचान में वेबसाइट बनाई गई है। तो बाद का टेस्टिमोनियल्स यूज़ होते हैं वेबसाइट में अपना। टेस्टिमोनियल का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट के जो मशहूर लोग हैं, जैसे कि SEO है, मैनेजर है, डायरेक्टर है, उसके हवाले से बताया गया होता है। तो इसमें इधर मैनेजर की तस्वीर आती है, चूज इमेज में किसी मैनेजर की तस्वीर यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे उस मैनेजर का जो आता है वो मैसेज होता है वो यहाँ लिखा होता है, यहाँ पे उसका मैसेज लिखा हुआ आता है, या फिर ये आप अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इमेज का साइज़ यहाँ से इस तरह ही रहने दें, और यहाँ पे नेम क्या है मैनेजर का वो लिखाता है, और इसका रोल क्या है, जैसे कि मैंने कहा मैनेजर है वो,
ओके हो गया जी। अब इसके अलावा लिंक, अगर तो उसका कोई अकाउंट है पर्सनल फेसबुक का या इस तरीके से ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, तो वही आप यहाँ लिंक भी दे सकते हैं। स्टाइल में जाके सारी स्टाइलिंग कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कंटेंट कलर क्या हो, इसके अलावा इमेज का साइज़ कितना हो, यहाँ से इमेज का साइज़ कितना हो, इसके अलावा नेम का क्या कलर हो, टाइटल का क्या कलर हो, ये नेम है ये टाइटल है। इसके अलावा आप मज़ीद और आपने बनाने हो तो यहाँ से डुप्लीकेट करें, इसको पकड़ें यहाँ से और यहाँ लगा दें, तो ये दूसरा आ जाएगा। अगर इमेज यहाँ से चेंज कर दें, अब यहाँ इंसानों की इमेज लगानी है, मैं तो ऐसे ही लगाता जा रहा हूँ ना जो जो मेरे पास है, तो यहाँ से एसईओ चेंज कर दें, नाम चेंज कर दें, इस तरीके से टेस्टिमोनियल्स यूज़ होते हैं यहाँ। इसके अलावा जी अगला एलिमेंट है टैब्स का। अब टैब्स का एलिमेंट बहुत ज़्यादा अहम होता है, अब मैं आपको इसका लगा के दिखाता हूँ, ऐसे आपको समझ नहीं लगेगा टैब का एलिमेंट क्या होता है। टैब के टैब नंबर वन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मिसाल के तौर पे मेरे कोर्सेज़ हैं, मिसाल के तौर पे एक ऐसी वेबसाइट है जो कि ऑनलाइन कोर्सेज़ प्रोवाइड करती है, और उसमें कैटेगरीज हैं कि आप अगर वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स सीखते हैं तो उसमें आप को यहाँ पे सारी उसकी बताया गया होगा टेक्स्ट में कि इसमें क्या क्या खासियत है, क्या क्या आपको चीज़ें मिलेंगी, किस किस टाइम में किस कोर्स सिखाया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद वेब डिज़ाइनिंग, और इसके बाद इसमें वेब डिवेलपमेंट में इस तरीके से होगा। इस तरीके से आप मज़ीद टैब ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं, कम करना चाहे तो कम कर सकते हैं। ये वर्टिकल हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, स्टाइल में जाके सारी स्टाइलिंग कर सकते हैं आप, इसके कलर क्या हो, इसका कलर क्या हो, इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ सारी लिखी हैं, इन सब चीज़ों को आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। ये जैसे कि टाइटल कलर मैं इसका चेंज करता हूँ, ये टाइटल कलर चेंज हो गया, एक्टिव कलर ब्लैक, एक्टिव कलर ब्लैक का मतलब ये है कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये एक्टिव हो गया टैब, तो ये ब्लैक हो गया, ये एक्टिव हो गया, ये ब्लैक हो गया, इस तरीके से है। तो टैब का मतलब मकसद समझ लग गया होगा कि जैसे वेब डिज़ाइनिंग में क्लिक करूँ तो मुझे सारी वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगी, और मैं वेब डेवलपमेंट में क्लिक करूँ तो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अभी दोनों का टेक्स्ट सेम है इसलिए आपको लग रहा होगा कि दोनों सेम ही है। तो इसके बाद अगला एलिमेंट आता है जी ए अकॉर्डेंस। अकॉर्डेंस भी टैब्स से ही रिलेटेड है, टैब्स का मिलता जुलता एलिमेंट है अकॉर्डियन, अकॉर्डियन है, सॉरी लफ्ज़ मैं गलत बोल रहा था। तो इसको मैं लगा के भी आपको दिखा देता हूँ कि इसका क्या काम है। ये देख सकते हैं कि इस पर क्लिक किया तो ये ओपन हो गया, इस पर क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। इसमें क्या फ़र्क है कि इसमें आइकन्स है साथ, ये देख सकते हैं माइनस प्लस के आइकन्स है, वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं, एक्टिव कौन सा लगाना है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ आप सबको वर्डप्रेस के नेक्स्ट एडवांस ट्रेनिंग कोर्स की वीडियोस में। अच्छा, कोई हेल्प चाहिए हो, कोई मसला हो रहा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्रुप का, इस ग्रुप को ज्वाइन करके पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम बता सकते हैं, प्लगइन्स कोई लेने हो तो दे सकते हैं। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करेंगे इसके बाकी एलिमेंट्स को, और साथ ही साथ प्रो वर्जन के एलिमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रो वर्जन के एलिमेंट्स के लिए आपको एलिमेंटर प्रो के लिए एक ग्रुप है, उस ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा जी। हमारा काम रह गया था अकॉर्डेंस पे, हमने अकॉर्डियंस पे काम छोड़ा था, उससे अगला एलिमेंट है टूगल। टूगल को पकड़ के यहाँ लगाते हैं, उम्मीद है आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे खूब तरीके से, ठीक है। टूगल भी अकॉर्डेंस की तरह का एक एलिमेंट्स है। अब टैब, अकॉर्डियंस और टूगल एक ही चीज़ें हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं ये एक ही चीज़ें हैं। इसमें ये ऐसे हो जाएगा, ये टैब की तरह काम कर रहा है, और लेकिन ये टैब में होता है कि उसको ऊपर नीचे खोलना नहीं पड़ता, सारा कुछ नज़र आ रहा होता है, आइकन्स नहीं होते इसमें, साथ साथ आइकन्स लगे हैं, ये इसमें अच्छा फीचर है, ठीक है। तो टैब, अकॉर्डेंस और टूगल एक ही साथ चीज़ें हैं, मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ये टूगल और अकॉर्डियंस यूज़ करें, ठीक है। इसके बाद जी अगला एलिमेंट है सोशल शेयर, ठीक है। सोशल शेयर बहुत ज़्यादा एलिमेंट यूज़ होता है, इसमें हमारे सोशल अकाउंट्स लगते हैं, ठीक है ना, वेबसाइट में हेडर में फुटर में सोशल अकाउंट्स लगते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं फेसबुक। इसके अलावा आप यहाँ से क्रॉस भी कर सकते हैं, यहाँ से नई आइटम ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए जैसा कि आ गया, यहाँ से आप कोई भी आइकन चेंज कर सकते हैं इसका, ठीक है। और इसके अलावा स्टाइल में जाके आप इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं, इसका साइज़ कम ज़्यादा करना है वो कर सकते हैं, इसके अलावा इसकी पैडिंग मीन्स के अंदर से स्पेस
ठीक है ना, अंदर से स्पेस और बाहर से स्पेस के लिए स्पेसिंग और बॉर्डर लगाना, अगर आपने ये देखे इस तरीके से बॉर्डर लग जाता है तो बाकी इस तरीके से है। अगला एलिमेंट जी हमारा है, उसके लिए सेक्शन बनाते हैं। अगला एलिमेंट है जी अलर्ट। अलर्ट का एलिमेंट कहाँ यूज़ होता है? अलर्ट का एलिमेंट वेबसाइट में कुछ ऐसे हिस्सों में यूज़ होता है जहाँ आपने अगले बंदे की अटेंशन को हासिल करना हो, उसको बताना हो कि ये जगह, ये बताना हो कि ये एरिया इस तरीके से है, ठीक है ना। मीन्स के अगर आपने अलर्ट बताना है इन्फो का तो इस तरीके से शो होगा, अगर आपने अलर्ट में कोई मैसेज देना है सक्सेस का तो इस तरीके से शो होगा, और वार्निंग का अगर मैसेज देना है तो इस तरीके से शो होगा, और अगर डेंजर का मैसेज देना इस तरीके से। यहाँ आप अपने मुताबिक हेडिंग लिख सकते हैं और यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। डिसमिस बटन ना कह रहा है, डिसमिस बटन शो करवाना है, मीन्स के क्रॉस का बटन यहाँ शो करवाना है तो शो करवाएं, वरना हाइड भी कर सकते हैं आप इसको। शो होगा, स्टाइल में जाके हर तरह की स्टाइलिंग हो जाएगी, बैकग्राउंड के देखें ब्लैक हो जाएगा, बॉर्डर बॉर्डर कलर रेड हो जाएगा, ये बॉर्डर कलर है, और लेटर बोर्ड बॉर्डर विड्थ है ये, उसके बाद टाइटल का कलर वगैरह सारा कुछ हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट एलिमेंट है जी हमारा साउंड क्लाउड। साउंड क्लाउड भी नहीं यूज़ करेंगे आप, शॉर्ट कोड भी कोडिंग के लिए यूज़ होता है, HTML भी कोडिंग के लिए। अगर तो आपने कोई ऐसा एलिमेंट, यहाँ कोई एक ऐसी चीज़ लिखनी है जिसमें जिसमें HTML कोडिंग है, तो आप उस कोड को यहाँ ला के पेस्ट कर देंगे तो वो कोड लग जाएगा, ठीक है। अब ये भी नहीं यूज़ करना आपने, इसके अलावा मेन ऑचर भी नहीं यूज़ करना, साइड बार भी नहीं, क्योंकि साइड बार ब्लॉग्स में यूज़ होती है। इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देख रहे हैं, ये ब्लॉग्स में यूज़ होती हैं, वेबसाइट में नहीं यूज़ होती। तो हमारे तमाम एलिमेंट्स ख़त्म हो चुके हैं, अब स्टार्ट करते हैं प्रो वर्जन, ठीक है। एलिमेंटर का प्रो वर्जन आपको लिंक मिल जाएगा, उस ग्रुप को ज्वाइन करके आप प्रो वर्जन हासिल कर सकते हैं। अब हम इसके बाकी प्रो वर्जन के एलिमेंट्स को देखते हैं, फिर उसके बाद हम एक प्रॉपर वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। एलिमेंट्स की स्टडी करना आ जाएगी तो फिर इंशाल्लाह हमारे लिए वेबसाइट बनाना आसान हो जाएगी, क्योंकि पता है हमें कि हमने ये एलिमेंट लगाएंगे तो इससे वेबसाइट में ये खूबसूरती आएगी, फलां एलिमेंट लगाएंगे तो फलां वेबसाइट हमारी इस तरीके से नज़र आएगी। तो चलते हैं अब अपने क्या नाम लेते हैं प्रो वर्जन की तरफ।